लंग कैंसर का होना दुनिया भर में अब बहुत ही आम हो गया है और कैंसर से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण है। कैंसर के सभी केस में से 19% डेथ के लिए लंग कैंसर ही जिम्मेदार है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं उन्हें ही फेफड़ों यानी लंग कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है, परंतु ऐसा नहीं है। लंग कैंसर के बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी देखे गए हैं जिन्होंने कभी सिगरेट व तंबाकू का सेवन किया ही नहीं, फिर भी उनको लंग कैंसर हो गया। ये लोग वह पेशेंट थे जो अधिक पोल्यूशन वाले एरिया में रहते थे और पैसिव स्मोकिंग वाले पेशेंट जो स्मोकिंग करने वाले पर्सन से धुआं अपने शरीर में लेते थे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि लंग कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं। नंबर 1 का सिम्टम है कफ व खांसी का होना। जब व्यक्ति को कफ व खांसी की समस्या होती है तो लंग कैंसर का प्रमुख लक्षण हो सकता है। आमतौर पर खांसी व जुकाम कफ का होना नॉर्मल होता है, लेकिन यही तेज खांसी हो तो यह लंग कैंसर का सिम्टम हो सकता है। नंबर 2 का सिम्टम है चेस्ट व बैक में पेन होना। यदि सीने के साथ साथ पीठ व कंधों में भी दर्द हो रहा है, साथ ही यह दर्द खत्म नहीं होता है, तो यह लंग कैंसर का प्रमुख लक्षण हो सकता है। नंबर 3 का सिम्टम है वेट लॉस का होना। यदि व्यक्ति का वेट लॉस अचानक कम होने लगे तो यह भी एक लंग कैंसर का मोस्ट कॉमन सिम्टम है, क्योंकि लंग कैंसर वाले पेशेंट में फूड का पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। नंबर 4 का सिम्टम है लंग इन्फेक्शन का होना। यदि बार बार लंग इन्फेक्शन होते जा रहा है तो यह कंडीशन भी लंग कैंसर की हो सकती है, क्योंकि लंग कैंसर वाले पेशेंट में बॉडी में CD4 टी सेल का लेवल 200 से भी कम हो जाता है, तो यह भी लंग कैंसर का एक मुख्य सिम्टम माना गया है। हमारे आखिरी नंबर का सिम्टम है ब्लड में स्पूटम यानी कफ के साथ में ब्लड का आना। यह एक लंग कैंसर का मोस्ट कॉमन सिम्टम है। लंग कैंसर वाले पेशेंट में ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होने लगती है, साथ ही यह ब्लड सेल कफ के साथ बाहर आने लगती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हेल्थ व मेडिकल फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे हैं। तो आप अपना ख्याल रखें, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।